उज्जैन यूनिवर्सिटी की इस स्टूडेंट ने पीएम मोदी पर कर डाली पीएचडी, रिसर्च में शामिल किए छोटे बड़े फैसले। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन इंदौर की रहने वाली एक स्टूडेंट ने विक्रम विश्वविद्यालय में 5 साल तक मेहनत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना शोध पूर्ण किया और दीक्षांत समारोह में उपाधि भी प्राप्त कर ली है। उसने अपने शोध में साल 2014 में मोदी के प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर 30 मई 2019 के दूसरे कार्यकाल की शपथ और वर्तमान समय तक लिए गए फैसले के विश्लेषण को बताया। शोधा स्टूडेंट अंकिता त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद से ही मैं चाहती थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी विषय पर पीएचडी करूं, क्योंकि मेरे पिताजी रमाकांत त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि फतेहपुर से जिला अध्यक्ष, कानपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहने के साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में 5 जिलों के चुनाव संयोजक थे। इसलिए मैंने 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पीएचडी की शुरुआत की थी। अंकिता त्रिपाठी बताती हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर वीरेंद्र चावरे के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पीएचडी की है, जिसमें पॉलिटेक्निकल साइंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट दीपिका गुप्ता मैडम ने भी इस पीएचडी को करने में मेरी काफी सहायता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म, राजनीतिक सफर, गुजरात में मुख्यमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनते ही पंच योजना पर कहां से लेकर हर बिंदु को शोध में प्रकाशित किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही पहले शपथ ग्रहण में सार्क देश के नेताओं को आमंत्रित करना और फिर विदेश नीति को पहली वरीयता प्रदान करना उनकी दूरगामी सोच को बताती है। गुजरात मॉडल के आधार पर देश भर में काम है, केंद्रीकरण पर बल देकर योजना आयोग को समाप्त कर इनके स्थान पर नीति आयोग बनाने से लेकर मन की बात से जनता के प्रथम सेवक की छवि बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। साल 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस किया, जिसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गति प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाना, ये लिए ऐतिहासिक फैसले। अंकिता त्रिपाठी ने अपने शोध में इस बात का भी उल्लेख किया है कि साल 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखकर साल 2019 में उन्हें पसंद करने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। साल 2014 के बाद 2019 में कई राज्य ऐसे भी थे जहां बीजेपी की सरकार आई थी। शोध में बताया गया कि 9 नवंबर 2016 को नोटबंदी, काले धन का मुद्दा ही गवर्नमेंट, भ्रष्टाचार पर रोक, प्रत्येक गांव तक पानी, महंगाई पर नियंत्रण, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं उद्योग, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम, पक्के घर बनाना, 3 तलाक और कोरोना टीका लगाने पर सभी से समान व्यवहार कर फैसलों के साथ ही 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया। उसके बाद कई साल से चले आ रहे अयोध्या में मंदिर निर्माण के विवाद को सुलझाकर मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने 100 दिनों में भूटान, नेपाल और जापान की यात्राएं की। शोध में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल अन्य प्रधानमंत्रियों से भिन्न रहा है।